नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी जगन्नाथ के साथ। हमारे आपके घर में, किचन में, हर जगह एक चर्चा जरूर होती है, वो है बजट की। और अमूमन जब भी जनवरी खत्म होने को होता है और फरवरी की शुरुआत होती है, तभी ये चर्चा होने लगती है कि आखिरकार बजट क्या होगा, कैसे होगा। हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से संसद में कोई मंत्री बजट को पेश करता है, उसके बाद उस बजट की चर्चा संसद में होती है और उसके बाद उस बजट को पारित किया जाता है। और वही बजट अमूमन आम तौर पर हमारे किचन को, हमारे घर को हर तरफ प्रभावित करता है। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको यह बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आखिरकार दिल्ली नगर निगम का बजट कैसा है, वो भी तब जब मैं करीब हर वीडियो में ये आपको कहता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी, फिनेंशियल कमेटी है, सबसे पावरफुल कमेटी है, हर प्रोजेक्ट और के लिए वह फैसले लेती है। लेकिन इस बार स्टैंडिंग कमेटी तो बनी नहीं, तो आखिर कैसा होगा दिल्ली नगर निगम का बजट, कितने का होगा दिल्ली नगर निगम का बजट, इस फिनेंशियल ईयर में रिवाइज्ड बजट क्या है और आने वाले फिनेंशियल ईयर्स का रिवाइज बजट, एस्टिमेटेड बजट क्या होगा, ये सब कुछ सवालों का जवाब आपको मैं देने वाला हूं। लेकिन उससे ठीक पहले आप इतना समझ लीजिए कि स्टैंडिंग कमेटी, दरअसल दिल्ली नगर निगम का बजट आम तौर पर जो आम बजट है उससे इस मायने में डिफर करता है, या कह सकते हैं अंतर करता है, और अपने आप में एक यूनिक बजट होता है, क्योंकि इस बजट में तकरीबन चार ऐसी स्टेज आती है जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। लेकिन इस बार इस कह सकते हैं कि अनोखा नहीं कह सकता, लेकिन कह सकता एक अलग बजट जरूर होगा, क्योंकि इसमें जो जनप्रतिनिधि यानी चुने हुए पार्षदों का इन्वॉल्वमेंट तकरीबन चार लेवल पर होता था, अब उनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक लेवल पर होगा, वो भी सदन में। और स्टैंडिंग कमेटी न बन पाने की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब बजट जो है इस पर चर्चा होगी, और इस पर चर्चा शुरू करेंगे नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के दिल्ली नगर निगम में राजा इकबाल सिंह। और आपको ये भी बता दूं कि ये बजट, दरअसल दिल्ली नगर निगम का बजट हमेशा अधिकारी तैयार करते हैं, कमिश्नर मुख्य मुखिया होता है, कमिश्नर इस बजट को अगर स्टैंडिंग कमेटी रहती तो उसके सामने रखता, और उसके बाद से स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा के बाद इस बजट को सदन में रखा जाता। लेकिन अभी ये बजट जो कमिश्नर का बजट है, अधिकारियों का बजट है, यह डायरेक्टली आएगा, सदन में रखा जाएगा और इस पर चर्चा करेंगे नेता प्रतिपक्ष। यानी सबसे बड़ा अंतर यह हुआ कि पहले जो स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष इस पूरे मामले पर चर्चा करते थे और उसके बाद सदन में रखा जाता था तब चर्चा होगी, वही अब यहां पर सीधे कमिश्नर के बजट पर चर्चा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, और ये चर्चा करेंगे नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह। साफ तौर पर कमिश्नर के बजट पर यह चर्चा होगी, जाहिर तौर पर कुछ संवैधानिक तौर पर सुझाव दिए जा सकते हैं, प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, कई प्रस्तावों को नकारा जा सकता है, लेकिन 5 से लेकर 8 फरवरी तक यह चर्चा लगातार चलेगी। जब नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख लेंगे उसके बाद से तकरीबन 8 फरवरी एक ऐसा दिन होगा जब इस पर जो फाइनल कमेंट आएगा वह नेता सदन का होगा, और नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के बीच में बाकी दिनों में इस पर चर्चा होगी, यानी पार्षद अपने सुझाव भी दे सकेंगे, और साफ तौर पर 8 फरवरी को एमसीडी का जो बजट है वो दिल्ली के लोगों को मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर मैं बात करूं तो पिछले साल हर बार ऐसा होता है कि कमिश्नर 10 दिसंबर के पहले तैयार कर लेते हैं बजट और उसको बाकायदा स्टैंडिंग कमेटी में रख देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा अनोखा हुआ है, अलग हुआ है, या हम यूं कह लें संवैधानिक तौर पर दिक्कत हुई है कि स्टैंडिंग कमेटी न बन पाने की वजह से बजट को सीधे सदन में रखा गया है। तो अब यह बजट कैसा होगा, देखिए जो कमाई है, जो खर्चा है, वह 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, जैसा बजट की कार्रवाई से जुड़े हुए लोग ये जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या होगा, नेता सदन मुकेश गोयल जब इस पूरे बजट पर अपनी राय रख रहे होंगे तो मुझे लगता है सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की जो झलकियां हैं वो इस बजट में साफ तौर पर दिखाई दे सकती हैं। यानी आप याद कीजिए चुनाव का दौर, जब
एमसीडी का चुनाव हो रहा था और बाकायदा कई तरह की गारंटी दी गई थी, तो मुझे लगता है कि जब वह सदन में पढ़ रहे होंगे इन चीजों को, प्रस्तावों को, तो बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल कर सकते हैं जिसके जरिए उसमें आम आदमी पार्टी की झलक, या फिर यूं कहें कि गारंटी को पूरा करने की एक कदम बढ़ाते हुए यह प्रस्ताव रखा जा सकता है। तो साफ है कि दिल्ली नगर निगम को उसका बजट 8 फरवरी को मिलेगा, लेकिन उससे पहले उससे चर्चा होगी। और खास बात यही है कि आपको मैं सिर्फ एक वीडियो में ही नहीं खत्म करूंगा। अमूमन बजट एक ऐसा क्लिष्ट विषय होता है जिस पर हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन एक आम भाषा में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरह से हम इस पूरे बजट को समझ सकते हैं। लेकिन अभी तक आप ये समझिए कि 2023-24 यानी मौजूदा वित्त वर्ष अब तो पूर्व हो गया, यानी 2023-24 का जो रिवाइज्ड बजट होगा और 24-25 का जो एस्टिमेटेड बजट होगा, यह इस बार सदन में रखा जाएगा। और आपको मैंने बताया कि किस तरह से स्टैंडिंग कमेटी न बन पाने की वजह से सबसे बड़ी खामी इस बजट की यही कहूंगा मैं कि ज्यादा से ज्यादा जितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था चार जगहों पर खासकर चुने हुए प्रतिनिधियों का, वो नहीं हो पाया। तो अब देखना यह है कि आखिर ये बजट कैसा होता है। दूसरी तरफ आप उस दौर को याद करिए जब कमिश्नर ने बाकायदा बजट रखा था सदन के पटल पर, तब आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि इस पर चर्चा होगी, रेफरेंडम होगा, ये आम लोगों का बजट है, आम लोगों से हम राय शुमारी करेंगे। अब उस राय शुमारी का अंतिम दौर भी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जब 8 फरवरी को इस पूरे मसले में नेता सदन मुकेश गोयल अपना प्रस्ताव रख रहे होंगे और बजट पास या पारित होने वाला ही होगा, तो इस पूरे मामले में उन विधानसभा के जहां जहां पर रेफरेंडम हुआ है उसकी झलक भी दिखाई दे सकती है। तो बहरहाल मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि आखिर वो कौन सी जगहें हैं जहां पर यह इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था पार्षदों का, नहीं हुआ। लेकिन एक और खास बात आपको बता दूं कि आम बजट से ज्यादा यह एक ऐसा बजट है जिसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कदम कदम पर चुने हुए प्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन अफसोस इस बार नहीं हो पाया। ऐसी कौन सी जगह थी, अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। तो जगन्नाथ के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।